हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा एसएल में आप सभी को दिल से स्वागत है। आज हमने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चटपटा और बहुत कम टाइम में रेसिपी लाई हूँ। मटर का रेसिपी है। मटर हमने 200 ग्राम लिए है लगभग। उसी मटर को हमने दो टाइप के रेसिपी में डिवाइड किए। चलिए देखते हैं। हमने एक बनाए मटर को गार्लिक पेपर मटर और हमने बनाए सेजवान मटर। सेजवान मटर में हमने सेजवान चटनी, देखिए चिंग्स का जो होता है ना, अवेलेबल शॉप में मिल जाता है, इससे हमने बनाए। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारा चैनल दुर्गा हेशेल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स भेजिएगा बहुत सारा प्यार के संग। थैंक यू। पैन पूरा गर्म हो चुका है, इसमें हम बटर दे देंगे। बटर थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, अच्छा लगता है। बटर मेल्ट हो चुका है, इसमें दे देंगे रात्रि चॉप किया हुआ गार्लिक। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट तक हमने भून लिया। देखिए रेडिश कलर आ गया है ना, और बहुत अच्छे स्मेल भी आ रहा है। अब इसको मटर दे देंगे इसमें। बहुत जल्दी जल्दी रेसिपी है और बहुत टेस्टी है, बिजी है। अब इसमें दे देंगे मटर को, हमने बॉईल कर चुके थे पहले, थोड़ा सा नमक देके और थोड़ा सा नमक देंगे, थोड़ा सा, नहीं देने से भी चलेगा क्योंकि तो बटर में तो नमक है और नमक देके हमने बॉईल कर चुके हैं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर दे देंगे इसमें स्वाद अनुसार। बस रेडी हो गया। बटर दे देंगे, अब इसमें दे देंगे कटी हुई प्याज। प्याज को हमने ऐसे चॉप किए, एक छोटा प्याज लेके ऐसे कट करके। अब प्याज को ऐसे भी दे सकते हैं, वैसे भी कट करके दे सकते हैं, ऐसे देने से भी अच्छा लगता है। अच्छे से भूनना है। ये प्याज भून चुका है अच्छे से। अब इसमें हम देंगे चिंग्स का जो होता है ना सेजवान चटनी, वो पैकेट हमने ले चुके हैं। ये चटनी आपको बाजार में अवेलेबल मिल जाएगा किसी भी शॉप में। इसमें हम दे देंगे मटर। आप लोग इसमें मिर्ची भी दे सकते हैं स्वाद अनुसार। थोड़ा सा नमक दे दे रही हूँ। नमक देके तो बॉईल किया है हमने मटर को, थोड़ा सा दे दिया स्वाद अनुसार। चलिए सेजवान मटर मेरा रेडी है। बहुत टेस्टी होता है, बहुत जल्दी जल्दी में हो जाता है। अगर ये वाला रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे तो मेरा चैनल दुर्गा हेशेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भेजिएगा कि कैसा लगा मेरा ये रेसिपी। थैंक यू।